बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आप लोगों के लिए जो मैं न्यूज़ लेकर आया हूँ, मैंने बहुत रिसर्च की है, उसके ऊपर थोड़ा काम किया है, फिर आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। कल के आप लोगों के जो है मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत सारे चैनल्स पे जो है वो न्यूज़ चल चुकी है कि 8500 पेंशन हो गई है, आप लोगों ने अभी तक न्यूज़ नहीं दी। तो इस पर मैंने वर्किंग की करने के बाद आज तसल्ली करने के बाद आप लोगों के लिए न्यूज़ बना रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बिल्कुल पैसे नहीं लगते, आप बहुत कंजूसी से सब्सक्राइब कर रहे होते हैं नए जो सब्सक्राइबर हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक भी बहुत कंजूसी से करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले मैंने UBI के हवाले से काफ़ी सारी न्यूज़ दी हैं, काफ़ी सारी तस्दीक करने के बाद मैं न्यूज़ देता हूँ, तो आप लोगों को भी उम्मीद है, खुशी होती है, क्योंकि मैं जो भी खबर देने की कोशिश करता हूँ, हकायक साझा करता हूँ आप लोगों के लिए, अच्छी खबर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी खबर और हकायक हकीकी खबर मिले। तो UBI के हवाले से बहुत सारी खबरें मैंने देखी भी हैं, एक दो उनमें ये बताया गया है कि आपकी मुबारक हो, आपको पेंशन जो है वो बहाल हो गई है, और ये हो गया वो हो गया। उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, जो रोज़नामा जंग ने जो शाया किया है वो भी बताऊँगा, और UBI एडवांस पेंशन के हवाले से भी बताऊँगा। जो रोज़नामा जंग में ये कहा गया है कि इस हवाले से जो पेचीदगियाँ थी वो कुछ काम हमने कम्प्लीट कर लिया है और कुछ काम रह गया है, जिस हवाले से मज़ीद इसमें वर्किंग हो रही है। मेरी UBI की बात हुई थी UBI से, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी फ़िलहाल जो है वो 100% कन्फर्म काम नहीं हुआ, अभी फ़िलहाल हमने 50-60% काम कर लिया इसके ऊपर, इंशाल्लाह 40% भी जल्द हो जाएगा तो आप लोगों को जो है न्यूज़ दे दी जाएगी। तो उस हवाले से थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लें, क्योंकि वो जैसे ही कोई इस तरह की न्यू अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पहले दूंगा, और बिल्कुल अथेंटिक न्यूज़ दूंगा, आपको मायूसी परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोग अभी ये समझते हैं कि यार ये अगर हो सकता है तुक्का मार दिया हो किसी ने तो वो हो जाए, लेकिन अभी तक इससे ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं हुआ कि इस महीने आपको पेंशन जो मिलेगी वो 8500 रुपये मिलेगी। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म कर दी गई है कि 21 तारीख को आपकी पेंशन जो है वो अकाउंट में आ जाएगी, एडवांस ईद की पेंशन जो होगी वो अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि वो 8500 मिलेगी या 6500 मिलेगी। जैसे ही वो कन्फर्म होगा वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बता दूंगा फ़ौरन से। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद रखनी है, अच्छी उम्मीद रखनी है। अब तक अच्छा हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।